गाजा में इजरायली फौज की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि लेबनान में युद्ध विराम के बावजूद आईडीएफ पूरी ताकत से गाजा में हमास पर हमला तो कर रही है, लेकिन उसे हमास के लड़ाकों से कड़ा जवाब मिल रहा है, जिसकी वजह से आईडीएफ के गाजा में हर पैंतरे नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि जिस गाजा को आईडीएफ ने अपनी बमबारी में खंडर में तब्दील कर दिया है, अब वही खंडर हमास के लड़ाकों के लिए एक सुरक्षा कवच बन चुका है, क्योंकि गाजा में जहां तक नजर जाती है वहां तक आधी अधूरी खंडर पड़ी इमारतें दिखाई देती हैं, और इन इमारतों में हमास के लड़ाके आईडीएफ का काल बनकर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही हमास ने गाजा की सड़कों पर आईडीएफ के लिए विस्फोटक का एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें घुसते ही आईडीएफ के टैंक हवा में उड़ रहे हैं। जी हाँ, ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि हमास के वीडियो इस बात का सबूत है जो गाजा से आ रहे हैं। और अब इसी कड़ी में हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो राफा के अल जमीना इलाके का है, जहां पर बने बुज अवध इंटरसेक्शन पर अल कासिम ने आईडीएफ पर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। हमास के इस वीडियो में पहले तो एक लड़ाका नजर आता है जो फोन पर किसी से बात करता हुआ दिख रहा है। इसके बाद अल कासिम के दो लड़ाके कंधे पर रॉकेट रख कर एक खंडर में घुसते हैं, जिसके सामने आईडीएफ के दो सैनिक नजर आते हैं और इन सैनिकों के ऊपर ये लड़ाके रॉकेट दाग देते हैं। और इसके बाद स्क्रीन पर तीन लड़ाके नजर आते हैं, जिसमें तीसरा लड़ाका छत से नीचे खड़े आईडीएफ के मेरकावा टैंक पर रॉकेट दाग देता है, जिसमें जबरदस्त ब्लास्ट होता है। इसके बाद सामने से आईडीएफ का एक बुलडोजर आता हुआ दिख रहा है, जिसके ऊपर ये लड़ाका फिर से रॉकेट फायर कर देता है। और इसके बाद हमास के दो लड़ाके राइफल से सामने तैनात आईडीएफ के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। और इस गोलीबारी के तुरंत बाद इलाके में आईडीएफ का एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ भी दिखता है।